हेलो वेलकम दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कलंगुट बीच का मेन एंट्रेंस है। तो आज मैं आपको कलंगुट बीच को दिखाने वाली हूँ कि कलंगुट बीच अभी कैसा दिख रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे गोवा की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचती रहे। अभी फ़िलहाल बारिश का सीज़न है, इससे टूरिस्ट थोड़ा कम हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा हैं। और आज मैं ये भी दिखाऊंगी कि बीच में मेरे साथ क्या हुआ। इसकी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैटू शॉप और लिक्योर शॉप है। अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो यहाँ पर टैटू बनवा सकते हैं। लेकिन गोवा में टैटू स्कैम किस तरह का होता है, इसकी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने गोवा में होने वाले सारे स्कैम का वीडियो बनाया है, जिससे आप लोगों से गोवा में किसी तरह का स्कैम ना हो। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग आए हैं, लेकिन बारिश तो आज मॉर्निंग ही हुई थी, फिर भी क्राउड कम नहीं है। अगर आप भी सितंबर, अक्टूबर या आने वाले महीनों में गोवा आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे अच्छी खबर है कि गोवा में सब कुछ ओपन है और आप बिंदास होकर मज़ा कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं DJI Osmo Pocket 2 का प्रयोग कर रही हूँ। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे कैमरे से बनाया गया कैसा लगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि गोवा में कचरा डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो आपसे कम से कम 1000 रुपये फ़ाइन लेगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बच कर रहें। आप देख सकते हैं कि बीच को कैसे डेकोरेट किया गया है। इस समय केवल बागा और कलंगुट बीच में भीड़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बीच हैं उनमें लगभग ना के बराबर लोग विजिट करते हैं। अगर आपको गोवा के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, बाय बाय।